मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर थर्ड पार्ट ऑफ क्लास प्लान सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज. वी वर डिस्कसिंग अबाउट नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस. बिफोर दिस वी डिस्कस अबाउट इन प्रीवियस वीडियोस अबाउट व्हाट इज बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सेकेंड वीडियो. हमने अभी तक डिस्कस किया, हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो बिजनेस क्या है, ठीक है. फिर हमने डिस्कस किया आफ्टर देन क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है. वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, हमने एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन पे पढ़ा था, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. क्लियर? इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, बिजनेस एक्टिविटीज का पढ़ेंगे. और प्रीवियस क्लास में हमने किसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ओनली एक्टिविटीज. अब डिफरेंस क्या है दोनों में, एक्टिविटीज जो हैं ये किसी भी बेसिक पर्सन की लाइफ से रिलेट करती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक जो हमने क्लासिफाई की थी. लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज किससे रिलेटेड करेंगी, ओनली टू द बिजनेस, ठीक है. तो एक्टिविटीज को हमने क्लासिफाई किया था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. जो भी एक जनरल पर्सन होता है वो परफॉर्म करता है, ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था सेकंड वीडियो में. इन दैट वी डिस्कस अबाउट बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा अबाउट द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन. देखिए बिजनेस एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई करते हैं दो टर्म में, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है. बिजनेस एक्टिविटीज क्लासिफाई इन टू पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओनली इंडस्ट्री, ठीक है. मीनिंग में आपको दोनों का बता दूंगा. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स एक्टिविटीज. आज हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट इंडस्ट्री, ठीक है. तो देखिए इंडस्ट्री क्या होती है. इंडस्ट्री इज द प्रोडक्शन यूनिट, रिलेट्स टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रिलेट्स विद प्रोसेसिंग production of goods and services. देखिए बेटा इंडस्ट्री वो प्लेस है जहां पे आपके गुड्स का प्रोडक्शन होता है, उनकी प्रोसेसिंग होती है और वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. फिनिश गुड्स मीन्स अभी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, अकाउंटिंग में बिजनेस स्टडीज में ये टॉपिक, ये टर्म्स आपकी बार बार आएंगे. देखो अकाउंटिंग की क्लास में भी हमने डिस्कस की थी कुछ टर्म्स. तो फिनिश गुड्स आपका फाइनल गुड्स होता है विच इज टू बी यूज बाय द कस्टमर, ठीक है. तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंडस्ट्री में क्या करना होता है, प्रोडक्शन करना होता है. तो बिजनेस एक्टिविटीज को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स. इंडस्ट्री को हम फॉर्म यूटिलिटी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी क्यों कहते हैं ये देखिए, बिकॉज इट कन्वर्ट्स अवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनटू द यूज फॉर रियल प्रोडक्शन. ये हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना उनको यूज कस्टमर प्रोडक्शन में, कंज्यूमेबल प्रोडक्शन में कन्वर्ट करता है. मीन्स जो लेबर और जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल है जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये उस मटेरियल को किस में कन्वर्ट करता है, कंज्यूमेबल गुड, मतलब जिसे हम अपनी यूज ले सकते हैं. कंज्यूमेबल मीन्स यूज ले सकते हैं. अपनी इंडस्ट्री में दो तरीके के प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स. अब आप कहेंगे ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या होता है और प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स में क्या अंतर है. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर. जिसे कस्टमर कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है ना
प्राइमरी इंडस्ट्रीज हमारी वो इंडस्ट्रीज होती है जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, उन रॉ मटेरियल को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उनकी प्रोसेसिंग करती है, ठीक है। दैट इज अवर प्राइमरी, इसको आप एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी इंडस्ट्रीज को भी हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच एक्सट्रैक्ट एंड रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज से आपके प्रोडक्शन को रिप्रोड्यूस करती है, ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? एक्सट्रैक्टिव, फॉर एग्जांपल फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, जो आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है, दैट इज रिलेटेड टू योर एक्सट्रैक्टिव और प्राइमरी इंडस्ट्री। एग्जाम्पल है इसमें फार्मिंग, माइनिंग और आप इसमें को भी ले सकते हैं फिशिंग, ठीक है। नाउ जेनेटिक इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज रिप्रोड्यूस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जो एनिमल्स के लिए रिप्रोड्यूस किया जाता है ब्रीडिंग के लिए, वो कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज को हमने क्लासिफाई किया टू टर्म्स में, एक्सपेक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सपेक्टिव इंडस्ट्री क्या रिप्रोड्यूस करती है? नेचुरल रिसोर्सेज को। जेनेटिक इंडस्ट्रीज फॉर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज को अगर हम बोले तो ये किसको रिप्रोड्यूस करती है? नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन, ठीक है, रीप्रोसेस और प्रोसेस में काम। नेक्स्ट, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस और गिव फिनिश गुड्स टू द कस्टमर। फाइनल टच तो देती है ना आपकी मटेरियल को, दैट इज योर सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री हमको क्या देती है? हमारे प्रोडक्शन को, हमारे प्रोडक्ट्स को क्या देती है? फाइनल टच देती है, बिल्कुल एक तरीके से फिनिश गुड्स कहाँ प्रिपेयर होते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री में, जो प्राइमरी इंडस्ट्री में पहले फर्दर प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर लाइक सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कह सकते हैं हम, जहाँ पे हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और उन्हें कस्टमर को डायरेक्टली यूज के लिए अवेलेबल कराया जा सकता है। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आयरन ओर, आयरन ओर जो प्राइमरी प्रोडक्शन, वो प्राइमरी प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन जब उससे आयरन ओर से हम स्टील बना रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। अब आप स्टील बन के आ रहा है, उसका फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी हम क्लासिफाई करते हैं फोर टर्म्स में, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड असेंबली इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच सेपरेट्स और एनालिसिस बिटवीन द सेम आइटम, ठीक है। कोई सेम आइटम है, सेम थिंग है, उसके बीच में से जो एनालिसिस किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है, जिन इंडस्ट्रीज में, वो कहलाती है आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। क्लियर? एग्जाम्पल ऑयल, ठीक है। ऑयल कंपनीज जो होती हैं, वो क्या करती हैं? उसके बीच में जो भी इंग्रीडियंट्स हैं, उनको क्या करती हैं? एनालिसिस करती है। और एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच कंबाइन डिफरेंट इंग्रीडियंट्स इनटू सेम मटीरियल, जस्ट लाइक सोप, सीमेंट। इनमें क्या करते हैं? प्रोडक्शन के टाइम जो डिफरेंट इंग्रीडियंट्स होते हैं, उनको कलेक्ट करके एक सोप बनाया जाता है। ऐसे सीमेंट में भी डिफरेंट इंग्रीडियंट्स ऐड किए जाते हैं। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री तो कंबाइन करती है, और एनालिटिकल क्या करती है? उनको सेपरेट करती है और एनालिसिस करती है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से भी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोसेस द मटेरियल एंड गिव द फाइनल प्रोडक्ट्स, जस्ट लाइक पेपर,
देखिए ये इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं आपके शुगर भी ले सकते हैं आप इसमें एग्जांपल, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनको फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ही आप इसको फाइनल गुड के रूप में यूज ले सकते हैं, ठीक है। कुछ मटीरियल ऐसा होता है जिन्हें एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस, जैसे पेपर बनता है तो वो काफी प्रोसेस से होकर निकलता है, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है। इसके लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग भी तैयार करते हैं, अकाउंटिंग भी होती है पूरी। तो ये इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, प्रोसेसिंग, इनको हम फर्दर क्लासिफाई अलग से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट असेंबली, असेंबली इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट इनटू ए वन पार्ट, जस्ट लाइक कार, कंप्यूटर, आपने देखा होगा ना ये कैसे बनती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल किया जाता है एक पर्टिकुलर पार्ट बनाने के लिए। जैसे कार, कंप्यूटर, इनमें क्या किया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके एक आपके लिए पार्ट तैयार किया जाता है, प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर मैन्युफैक्चरिंग को हमने क्लासीफाई किया एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन आपने सुना होगा, डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आपकी वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्या करती हैं, आपके लिए कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, ठीक है। विच रिलेट्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे आपकी कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई डैम बन रहा है, कोई फ्लैट्स बन रहे हैं, तो आपने सुना होगा ये सारा काम किसके अंदर आ जाता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। ये प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन अलग चीज है, तो रॉ मटेरियल का और है, और जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अलग काम है। जैसे रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग हो गए, डैम हो गए, तो ये सारा किसके अंदर आ जाता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट है आपकी टर्शियरी इंडस्ट्रीज। टर्शियरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच फैसिलिटेट द सपोर्टिव एक्टिविटी टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो सपोर्टिव एक्टिविटी प्रोवाइड करती है ना प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, दैट इज योर टर्शियरी इंडस्ट्रीज, जस्ट लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस। आप देखिए अगर ये कंपनीज इन्हें सपोर्टिव एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि बैंकिंग क्या प्राइमरी टाइप की इंडस्ट्री हो, सेकेंडरी हो, कंस्ट्रक्टिव हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सिंथेटिकल हो, किसी भी तरीके हो, वहाँ बैंक की फाइनेंस की नीड होती है, तो ये सपोर्टिव एक्टिविटी प्रोवाइड करती है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऑक्सिलरी टू स्टेट कहते हैं जिसे हम सपोर्टिव एक्टिविटी, जो ये अपने बिजनेस में प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री कॉमर्स टू पार्ट में क्लासिफाई किया, देन इंडस्ट्री को फर्दर क्लासिफाई किया थ्री टर्म में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री, देन प्राइमरी इंडस्ट्री फर्दर क्लासिफाई इन टू पार्ट्स, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, एंड सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर क्लासिफाई इन टू फोर पार्ट्स, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, क्लियर। और टर्शियरी इंडस्ट्री हमने डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट कॉमर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉमर्स का क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।